हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को सीटीएमपी। वो क्या होता है? वो हम लोग डेली दो बार यूज करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और दूसरे रात को सोने से पहले। जो हमारे चेहरे पे गंदगी वगैरह रहती है वो सब सारे साफ हो जाते हैं। और सीटीएमपी का मतलब होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्रोटेक्शन। हम अपने चेहरे को कितने अच्छी तरह से फेस को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, धूल मिट्टी से बचा सकते हैं। अगर हमारा फेस साफ नहीं रहेगा तो हमारे फेस पे हो जाएंगे किल मुहासे, बहुत सारे झाइयाँ वगैरह हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा सीटीएमपी करना चाहिए दो बार, एक सुबह और एक शाम। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है इस प्रोसेस को। तो अभी आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, बहुत सारे पसीने दिख रहे होंगे आप लोगों को। और अभी का चेहरा आप लोग देखिए, और जब मैं सीटीएमपी कर लूँगी तो तब आप लोग उसका चेहरी जल देखिएगा, आप लोगों को क्या अंतर आता है पता चलता है। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो पहले मैंने ले लिया है सी, मतलब क्लिनजिंग, ये है आपका यूर का। और ये है रूट्स वाटर, मतलब टोनर। हम लोग टोनर के यूज रूप में इसे यूज करते हैं। रोज वाटर को आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे टोनर में रोज वाटर ले सकते हैं, कुकुम्बर का ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है रोज वाटर। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मॉइस्चराइजर, जो है पीच मिल्क का। और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हम लोग तब करते हैं जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं, मतलब धूप में जाते हैं, तो हम लोग को चेहरे के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हम लोग उसके लिए सनस्क्रीन क्रीम यूज़ करते हैं। तो अभी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, इसलिए मैं यहाँ पे सीटीएम कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करना। तो पहले मैं अपने फेस को देखिए, मेरे फेस पे है, तो मैं पहले इसे साफ कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ठंडा पानी ले लिया है और एक हैंकी की मदद से इसे साफ कर ले रही हूँ अच्छे से। अगर आप इसे दो बार यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे हमेशा एक बार यूज कर सकते हैं, और एक बार फेस वॉश करिए और रात को सोने से पहले इसे सीटीएम करके सो जाइए। तो देखिए आपका फेस कितना अच्छा रहेगा। तो मैंने देखिए अपने फेस पर अच्छे से साफ कर लिया है। अगर आपके चेहरे पे ज़्यादा मेकअप रहता है, आप लोग कहीं जाते हैं तो आप लोग बेबी वॉल से मेकअप को साफ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले ले रही हूँ क्लिनजिंग मिल्क। तो हमें हथेली पे नहीं लेना, हमें लेना है इस पे। तो यहाँ मैं ले ले रही हूँ। इसे हमें करना है 2 से 3 मिनट तक। देखिए मैंने इतना ले लिया है। अब इसे मैं इस पे करके और अपने फेस पे अच्छे से मसाज करूंगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। आप सुखाना नहीं है, अगर आपको लगेगा कि आपका क्लिनजिंग में सूख रहा है तो आप हल्का सा पानी लेकर के उसे फिर साफ करिए। अब 2 मिनट लगभग हो गया है, तो इसे मैं पानी से
अच्छे से पोंछ लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से पोंछ लिया है, अब इसे हल्का सा सूखने देते हैं। इसे करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं घर पे। देखिए हमारा क्लिंजी में जो मैंने कहा था पोंछा था तो अच्छे से सूख गया है। तो अब हम यहाँ पे टोनर लगा लेंगे, मतलब ये है मेरा रोज वाटर। आप लोग रुई की मदद से भी लगा सकते हैं, बट मैं इसे स्प्रे कर लेती हूँ, स्प्रे बोतल है। तो देखिए मैंने स्प्रे कर लिया है, अब इसे हम हल्का सा सूखने देते हैं। ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमें हाथ ज़्यादा लगाना नहीं है, तो हम इसे कुछ सूखने देते हैं। देखिए मेरा लगभग सूखने ही वाला है, हम और 1-2 मिनट तक छोड़ देते हैं। ये हमारे फेस में अच्छे से अंदर तक हाइड्रेट हो जाएगा, इससे आप लोग का अगर पोर्स जो ओपन हो जाता है हमारे क्लिंजिंग मिल करने से, वो हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा पोर्स, तो इससे हमारा धूल मिट्टी नहीं बैठेगा और हमारा फेस भी अच्छे से साफ रहेगा, किल मुहासे भी नहीं निकलेंगे। तो देखिए मेरा फेस अच्छी तरीके से सूख गया है, तो अब मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ मॉइस्चराइजर। ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि अभी बहुत गर्मी का टाइम है, तो ज़्यादा लेंगे तो फिर पूरा ऑयली ऑयली फेस लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है हल्का सा मॉइस्चराइजर। इसे मैं टैप टैप करके लगा लूँगी। देखिए आप लोगों को मेरा फेस कैसा लग रहा है पहले और अभी का, आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल पे कमेंट भी करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसी तरह न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।